Hello everyone, welcome to Neetport. In the previous video we discussed about the tracheal respiration. In this video we will discuss about the branchial respiration. Branchial respiration जो होता है वो generally gills के द्वारा होता है. So by gills, और जिन organisms में gills के द्वारा respiration होता है वो generally हैं fishes, prawns, tadpoles, एक्सेट्रा. अगर हम लोग गिल्स के बारे में बात करें तो इससे पहले टाइप्स ऑफ गिल्स की बात करें. एक्चुअली जो टाइप्स ऑफ गिल्स हैं वो उसका जो क्लासिफिकेशन है वो तीन तरीके से किया जा सकता है. नंबर वन, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, यानी गिल्स कहाँ पाया जाता है उसके बेसिस पे इसे हम लोग दो भागों में या दो पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं. एक को बोलते हैं एक्सटर्नल और दूसरा होता है इंटरनल. जो एक्सटर्नल है इसमें गिल्स जो है आउटसाइड ऑफ द बॉडी या बाहर की ओर पाया जाता है, लाइक कुछ इस टाइप से पाया जाता है बाहर. और जो इनसाइड होता है या जो इंटरनल होता है उसमें ये इनसाइड द बॉडी पाया जाता है जो गिल्स होता है. सो नंबर वन इज ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन. जो दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट. अटैचमेंट के बेसिस पे इसे हम लोग तीन कैटेगरीज में पढ़ते हैं. पहला बोलते हैं पोडो ब्रांच जो होता है इसमें बेसिकली जो अटैच होता है अटैच टू दी अपेंडेजेस. दूसरा है ऑर्थ्रो ब्रांच जिसमें कि अटैचमेंट जो है अटैच्ड टू दी आर्थ्रोपोडियल मेम्ब्रेन. जो लास्ट इज प्लीरो ब्रांच, इसका जो अटैचमेंट होता है अटैच्ड टू the lateral wall of the body. So दूसरा classification on the basis of attachment है. जो तीसरा होता है on the basis of position of गिल फिलामेंट. गिल फिलामेंट के पोजीशन के बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं. इसके बेसिस पे जो पहला है उसे बोलते हैं हेमी ब्रांच. हेमी ब्रांच में जो गिल फिलामेंट्स होता है उसका सिर्फ एक रो पाया जाता है, ओनली वन रो ऑफ गिल फिलामेंट. जो नेक्स्ट है उसे बोलते हैं होलो ब्रांच. होलो ब्रांच इज समथिंग इन विच द टू रोज ऑफ गिल फिलामेंट पाया जाता है.
और जो लास्ट होता है वो होता है ए ब्रांच, जिसमें कि जो गिल एक्सिस होता है, गिल एक्सिस हैज़ नो गिल फिलामेंट। सो इस तरह से देयर आर थ्री क्लासिफिकेशन ऑफ द गिल्स, जिसमें पहला जो है ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, यानी वो एक्सटर्नल एंड इंटरनल, जो दूसरा है वो ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट, जो पोडो ब्रांच, ऑर्थो ब्रांच एंड प्लीरो ब्रांच, जिसमें कि अपेंडेजेस से अटैच्ड होता है, ऑर्थो ब्रांच में जो ऑर्थोपोडियल मेम्ब्रेन होता है उससे अटैच होता है, और जो प्लीरो ब्रांच होता है वो लैटरल वॉल या साइड के जो बॉडी वॉल होता है उससे अटैच होता है। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ गिल्स। अब हम लोग सिंपली स्ट्रक्चर अगर देखें गिल फिलामेंट का, तो कुछ इस टाइप से होता है, लाइक कुछ इस टाइप से पाया जाता है, और यहां ये ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं, ब्लड वेसल्स। These are the lamellae. These are the gill filaments. ये gill filaments है, इसे हम लोग lamellae बोलते हैं। So this is the structure, या these are the classification of the gill filaments. So अब हम लोग बात करते हैं कि जो branchial respiration में important points है वो ये है कि branchial respiration जो है वो generally एक्वाटिक जो एनिमल्स होते हैं या एक्वाटिक जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें देखा जाता है। सो जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, यानी O2 जो का जो डिसॉल्व या O2 जो डिसॉल्व होता है या डिफ्यूज़न होता है वो कैसे होता है, अगर हम लोग बात करते हैं फिशेज में, तो जो बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो जो वाटर होता है, वाटर इज़ 800 टाइम्स more dense than air, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो water में oxygen आता है वो लगभग 30 times जो है वो lesser होता है, यानी O2 in water is 30 times lesser than इन एयर। और जो तीसरी इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो डिफ्यूजन रेट है, यानी डिफ्यूजन रेट ऑफ O2 इन वाटर इज 5 lakhs टाइम लेसर देन एयर। ये तीन इंपॉर्टेंट बातें हैं कि जब भी O2 डिसॉल्व होता है या डिफ्यूज होता है, तो चूंकि वाटर जो होता है वो मोर डेंस होता है, इसीलिए उसमें डिफ्यूजन जो होता है वो बड़ी आसानी से नहीं होता, या यूं कह लें कि एयर के कंपैरिजन में जो डिफ्यूजन रेट है वो बहुत कम होता है, यानी 5 lakhs टाइम्स जो है 5 lakh गुना वो कम डिफ्यूज जो रेट है वो 5 lakh गुना कम होता है। और दूसरी बात यह है कि जो ऑक्सीजन एयर में पाया जाता है या नॉर्मली जो डिसॉल्व होता है वो अगर हम वाटर में गए तो वो 30 टाइम्स लेसर देन होता है। अब इसी को समझने के लिए एक मैकेनिज्म है जिसे बोलते हैं काउंटर करेंट मैकेनिज्म। काउंटर करंट मैकेनिज्म के द्वारा जो ब्लड कैपिलरीज में या ब्लड वेसल्स में ऑक्सीजन कैसे डिफ्यूज होता है वो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। काउंटर करंट मैकेनिज्म में समझने से पहले को करंट समझते हैं कि को करंट किसे कहते हैं। एक्चुअली जो को करंट होता है, को करंट मैकेनिज्म, ये ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें, लेट्स से कि ये कोई
कैपिलरीज है जिसमें कि जो वाटर है यानी O2 इज सैचुरेटेड या 100% O2 सैचुरेशन विद वाटर, ये 100% है। इसी के साथ में ब्लड कैपिलरीज या ब्लड वेसल्स पाई जाती है, लेट्स से कि ये कोई ब्लड वेसल यहाँ पे पाया जाता है और इस ब्लड वेसल्स में ब्लड का फ्लो होता है, यानी यहाँ पर से ब्लड का फ्लो होता है, दिस इज द ब्लड वेसल, और इसमें वाटर पाया जाता है या वाटर फ्लो होता है। अब होता यह है, मान लेते हैं ये 100% है और यहाँ पर ज़ीरो नहीं बल्कि हो सकता है 10% जो है वो ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट है या 10% ऑक्सीजन है, और यहाँ पे कोई पोर्शन है जहाँ पे जो वाटर है वो 100% यहाँ आते हुए मान लेते हैं कि 90% रह जाता है और यहाँ पे 10%, सो यहाँ पे जो है वो 10% है जो कि ऑक्सीजन ब्लड में है डिसॉल्व। अब होता ये है कि इसका फ्लो साथ साथ होता है, को करेंट है, तो 90% जब यहाँ पे आता है, यहाँ 90% से 80% और यहाँ 10 से 20% हो जाता है। और ये कैसे होता है, यानी डिफ्यूज़ होता है, और डिफ्यूज़न ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होता है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, यहाँ पे ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है वो 90% है और इधर 10% है। सो इसी तरीके से 80 और फिर 70% और यहाँ फिर 30% 60% 40% और यहाँ 50% और इधर भी 50%। नाउ दिस इज़ द पोजिशन या दिस इज़ द फेज़ जहाँ की जो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन है वो वाटर में 50% और जो ब्लड वेसल्स है उसमें भी 50%। अब जो मॉलिक्यूल्स का डिफ्यूजन है वो नहीं होगा, इसी पोजीशन को हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम जो फेज है, इस फेज में या इस अवस्था में जो मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन है वो डिफ्यूज नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इधर भी कंसंट्रेशन 50% है, इधर भी है, सो दोनों तरफ 50% 50% है, इसलिए मॉलिक्यूल्स का डिफ्यूज़न नहीं होगा। इसको कुछ इस टाइप से समझें कि डिफ्यूज़न कैसे होता है। फॉर एग्जांपल, अभी हमारे पास एक परफ्यूम की बॉटल है और कुछ दूरी में जो है कोई बंदा खड़ा है और यहाँ परफ्यूम की बॉटल खोलते हैं तो कुछ देर बाद जो है परफ्यूम का जो स्मेल होता है वो दूसरे पर्सन तक पहुंच जाता है। ये क्यों पहुंचता है कि परफ्यूम की बॉटल में जो कंसंट्रेशन है परफ्यूम का वो ज़्यादा है और जो पर्सन थोड़ी दूर में खड़ा है उसके पास कंसंट्रेशन ऑफ परफ्यूम जो है वो ज़ीरो है, लेकिन हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जो मॉलिक्यूल्स ट्रैवल करते हैं और डिफ्यूज आउट होते हैं और कुछ देर बाद हमें स्मेल समझ में आती है कि परफ्यूम यहाँ परफ्यूम जो है यहाँ पे इस प्लेस में है, और ये ट्रैवल जो है परफ्यूम के मॉलिक्यूल्स का तब तक होता रहता है जब तक कि जो कंसंट्रेशन है या मॉलिक्यूल्स जो ट्रैवल कर रहे हैं वो दोनों एरिया में यानी दोनों जगह बराबर ना हो जाए। इसी फेज़ को हम लोग इक्विलिब्रियम कहते हैं। सो यहाँ पे जो को करंट मैकेनिज्म है वो इसी तरीके से होता है, क्योंकि को करंट में वाटर जो है एक तरह से फ्लो हो रहा है और दूसरी तरफ जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें ब्लड जो है फ्लो हो रहा है जिसमें कि ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है वो बहुत कम है, लगभग 10% है। सो अब हम लोग काउंटर करंट मैकेनिज्म समझते हैं। काउंटर करंट मैकेनिज्म में भी कुछ इस टाइप से, लेट्स से कि इसमें वाटर है और 100% वाटर या यू कह लें कि 100% O2 सैचुरेशन विद वाटर, वाटर के साथ 100% है, और इसी के पास में फिर से ब्लड वेसल्स हैं,
यहाँ अब जो है ये ब्लड है इसके फ्लो की जो डायरेक्शन है वो डिफरेंट है, यानी ब्लड फ्लो यहाँ से होगा। जो को करंट में है दोनों का जो डायरेक्शन था वो सेम था, और यहाँ पे जो ब्लड का फ्लो है वो इस डायरेक्शन से है जबकि वाटर का फ्लो अपोजिट डायरेक्शन से है। सो सेम चीज़ मान लेते हैं 10% यहाँ पे ऑक्सीजन है ब्लड में और यहाँ पे 100% है, जो लेट से कि इस पोजीशन पे आके 90% हम कंसीडर करते हैं, और ये 90% आगे चलता है यानी यहाँ पे भी ये ब्लड के फ्लो के साथ साथ आएगा, तो ये भी 10% है, यहाँ 90%, तो 90% बिकम्स 80%, एंड जो 10 है 10 में इधर 10 से आया तो 10 + 10 20% हो गया और ये फ्लो कर जाएगा। इसी तरीके से 80 बिकम्स 70% और इधर से 10 आया, 10 + 10 इधर से गया, ये 20 हो गया, तो डायरेक्टली हम 20 लिख देते हैं, ये 20 और फिर ये फ्लो हो गया। इसी तरीके से फिर 60% और फिर यहाँ 20%, 50% और फिर यहाँ पे 20%, 40% फिर 20%, 30% एंड 20%, 20% 20% 10% और यहाँ पे फ्लो नहीं हो पाएगा, यहाँ भी 10% है क्योंकि 10% इधर भी है 10% इधर भी है, तो अब जो मॉलिक्यूल्स का फ्लो है वो नहीं होगा। सो यहाँ पे जो 20-20 है वो इसलिए है क्योंकि ये फ्लो लगातार है, इकट्ठा नहीं है, इसीलिए जो 10% इधर से आ रहा है और 10% ब्लड के साथ आ रहा है, 20% होकर के फ्लो हो जा रहा है। इसी तरह से 70 से, सो इस तरह से तब तक डिफ्यूजन मॉलिक्यूल्स का होता है जब तक कि 10% नहीं रह जाता है। ये 10% जब आ जाता है तो इधर भी कंसंट्रेशन जो है वो ऑक्सीजन का वो 10% है। सो अब दोनों ही पोजीशन पे, दोनों ही केस में 10% है, यहाँ इक्विलिब्रियम आ जाता है। ये इक्विलिब्रियम की पोजीशन आने की वजह से मॉलिक्यूल्स का जो है वो डिफ्यूजन अब नहीं हो पाता है। इसी को हम लोग को करंट मैकेनिज्म बोलते हैं, जिसमें कि वाटर मॉलिक्यूल्स और जो ब्लड का फ्लो है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है, और ये अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ब्लड कैपिलरीज या ब्लड वेसल्स में डिफ्यूज होके चले जाते हैं। सो ये था ब्रैंकियल रेस्पिरेशन, जिसमें हमने देखा कि जो ब्रैंकियल रेस्पिरेशन में इम्पॉर्टेंट है वो गिल्स हैं। एक्चुअली जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे रेस्पायर इन वाटर या इन एक्वेटिक मीडियम, जिसमें क्लासिफिकेशन हमने देखा गिल्स का, और साथ में ये समझने की कोशिश करी कि यहाँ पे जो मैकेनिज्म है डिफ्यूज़न ऑफ O2 का वो कैसे होता है।